नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जेबी डिवोशनल में। और स्वागत है उस शादी के समारोह में जहां पर चार भाई चार बहनों से विवाह करने जा रहे हैं, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी का देवी सीता से, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी से, भरत जी का मांडवी से संभवता और शत्रुघ्न जी का शुद्धकीर्ति से, क्योंकि तीनों भाइयों की कहीं ना कहीं सब कुछ सेट हो गया है। लेकिन आंखों में बातें सारी हो चुकी हैं और पहले से ट्यूनिंग दिखाई दी जाती हमको, लेकिन जहां तक भरत जी और उनकी मुलाकात थी देवी मांडवी की, वो कहीं ना कहीं अप्रसन्न करने वाली थी। संवेदनशीलता को परंपर रखते हुए भरत जी ने यह फैसला लिया है कि जब तक मांडवी जी स्वयं उनको वर नहीं कर लेती, यानी वर के रूप में उनका स्वयं चयन नहीं कर लेती, तब तक वो विवाह उनसे और नहीं उसका करें। एक ही सॉल्यूशन है जो प्रभु श्री राम जी ने बताया कि आप जाके बात करिए और सारे संशय को मिटा दीजिए। बड़ी लड़ाइयां बात करने से ही समाप्त होती, बात करो। जब बात नहीं करेंगे क्लियर नहीं होगा कि आपने ऐसा क्यों किया या क्या हुआ। तो चलिए किस प्रकार से ये बात क्या हुई है ये देखने के लिए चलते हैं एपिसोड में 73 पार्ट 2। मुझे मेरी तुच्छता का एहसास हो रहा है। लज्जित हूँ। मैंने सीता के जन्म से जुड़ी परिस्थितियों पर प्रश्न उठाए, जबकि उसके आने से तो हमारे भाग्य खुले थे। अपने ये अश्रु संभाल के रखना विदाई के लिए। अब तो चारों पुत्रियों का विवाह होने वाला है, वो भी एक साथ। युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा, है ना? अवश्य किसी बात ने तुम्हें उद्विग्न किया है। पिताजी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने मुझ में, उर्मिला में, मांडवी में, शुद्धकीर्ति में कभी भेदभाव किया। आपने सदैव हम चारों को एक ही माना है, चारों को बराबर प्रेम दिया है, चारों को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए प्रोत्साहित किया। और जब विवाह जैसे महत्वपूर्ण निर्णय की बात आई तो आपने मुझसे मेरी इच्छाएं पूछी थी, पर यह अधिकार आपने अपनी अन्य पुत्रियों को क्यों नहीं दिया? सीता और राम के विवाह के साथ साथ मेरे अन्य तीन पुत्रों का विवाह भी आपकी इन्हीं पुत्रियों के साथ गलती तो हुआ है संपन्न हो। मैं आपका यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करता हूं। ये भूल कैसे हो गई मुझसे? मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मेरा निर्णय उन पर बाध्य हो। मुझे उनकी इच्छा पूछनी चाहिए थी, अवश्य पूछनी चाहिए थी, परंतु महाराज दशरथ का प्रस्ताव सुनकर मैं इतना अभिभूत हो गया था कि मैंने बिना किसी पूर्व विचार के उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और इतनी महत्वपूर्ण बात का स्मरण ही नहीं रहा मुझे। बहुत दुखी होंगी ना तीनों, क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? उर्मिला और श्रुतकीर्ति को विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, पर मांडवी को लगता है कि उसे वो अवसर नहीं मिला जो उसकी सीता दीदी को मिला था। तुम निश्चिंत रहो, मैं मांडवी से बात करूंगा। यदि उसे दशरथ नंदन भरत से विवाह नहीं करना है तो मैं स्वयं
महाराज दशरथ से बात करूंगा। मीटिंग होगी। आज क्या क्षति पहुंचाने आए हैं? क्षति नहीं, क्षतिपूर्ति करने आया हूं। उतना सुंदर तो नहीं है, पर फिर भी प्रयास किया है मैंने। वो मैंने जीजा श्री के लिए बनाया था, एक विशेष अवसर के लिए। अवसर बीत चुका है तो इसे आप ही रखिए। जी बड़े पिताजी, आपने बुलाया था। जानती हो, जब तुम सब छोटे थे और तुमसे कोई भूल हो जाती थी, हम सदैव तुम्हें उस भूल को सुधारने का अवसर देते थे। इसी प्रकार जब माता पिता से कोई भूल हो जाए, क्या संतान उन्हें उस भूल को सुधारने का अवसर नहीं दे सकती? मैं कुछ समझी नहीं बड़े पिताजी। मांडवी, मैंने पिताजी को बताया है तुम्हारे विवाह से संबंधित तुम्हारा निर्णय, और उस पे तुम्हारी प्रतिक्रिया भी बताई है। और तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता भी होगी कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। और पिताजी इसके लिए महाराज दशरथ से बात करके प्रस्ताव अस्वीकार भी कर देंगे। ये तो अस्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है बड़े पिताजी। कंफ्यूज है क्या? असर पड़ेगा। पर तुमने तो मुझे कुछ और ही बताया था। हाँ दीदी, पर तब मेरी उनसे भेंट नहीं हुई थी, और भेंट हुई भी तो। सुनिए, देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। आपकी क्षमा याचना से बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि आपको दुखी करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी, और ना ही आपको दुख पहुंचाकर मुझे कोई सुख प्राप्त हुआ है। अभी तो मुझे भी क्षति ही पहुंची। अन्यथा आप मुझसे विवाह करने के प्रस्ताव से दुखी ना होते। जब आपके पिताजी ने मेरे पिताजी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार किया था, तब आपको देखकर उसी क्षण में आपके मन की बात समझ गया था। आपके पिताजी ने वचन दिया है, एक राजा ने दूसरे राजा को, एक संधि ने अपने संधि को, यदि अब वो इस प्रस्ताव को अस्वीकार करेंगे तो उनकी गरिमा कम होगी। इसलिए ना आपको कुछ करने की आवश्यकता है, और ना ही आपके पिताजी को। अब जो भी करना है वो मैं करूंगा। मैं अपने पिताजी से बात करके कह दूंगा कि मुझे ये विवाह स्वीकार दे। एक बार पुनः हृदय से क्षमा मांगता हूं। और मुझे आभास हुआ कि मैंने उन्हें समझने में भूल की है। मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। सत्य? जी बड़े पिताजी, मुझे उनसे विवाह स्वीकार है।
से सोच लो, जब कुछ ही क्षणों में अच्छा लगने लग जाए, हो सकता है कुछ ही क्षणों बाद वो अयोग्य लगने लगे। नहीं माँ, मैंने सोच समझ कर निर्णय लिया है। और अब विवाह के लिए मैं तैयार हूँ। हम तुरंत सभी को मांडवी के निर्णय से अवगत कराते हैं। मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसी क्या विशेषताएं देखी तुमने मेरे देवर में जिनके कारण तुम्हारे हृदय परिवर्तन संभव हुआ? दीदी, वो बिल्कुल जीजाश्री की छवि है और मेरे व्यक्तित्व के अधूरेपन के पूरक भी। मैं जितनी अधीर हूँ वो उतने ही धैर्यवान। मुझे शीघ्र क्रोध आता है और वो सदैव शांत। क्या हुआ दीदी? वो महाराज दशरथ को इस विवाह के लिए मना करने गए हैं। क्या दीदी, कहीं उन्होंने मना कर दिया तो? दीदी, हमें उन्हें रोकना होगा। उन्हें रोक लीजिए दीदी। मुझको जाना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा। किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा ये बताने के लिए भरत जी को कि ना 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 भावनाएं बदल गई है, सब ठीक हो गया है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल, सब कुछ अपने आप में रहे। बिड़ जिस तरीके से भरत जी का व्यक्तित्व सामने आया, क्योंकि जब बात करने का व्यक्तित्व को बाहर निकालने का जो मौका ही नहीं मिला तो कैसे कोई पहचानेगा उनको। एक मूर्ति के रूप में तो दुनिया में बहुत कुछ व्याप्त है, लेकिन उस मूर्ति से जब तक एक धारणा नहीं, एक विचार नहीं जुड़ेंगे तब तक वो मूर्ति मूर्ति ही है। जिस तरीके से भरत जी को सामने देख करके मूर्ति के रूप में भरत जी खड़े रहेगा तो उसके प्रति जो आप सोचें वो चित, पैर में लगने वाला पत्थर भी पत्थर ही है। तो उनको एक रास्ते का पत्थर मान करके कि हाँ इन्होंने मुझे क्षति पहुंचाई और इनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, क्योंकि पत्थर कभी जवाब नहीं देते, मनुष्य व्यक्ति जवाब देते। इनका हृदय कहीं ना कहीं बहुत कठोर है। संवेदनशील व्यक्ति को समझना इतना आसान नहीं होता, कारण यह है कि वो संकुची भी होते हैं और आप उनसे बातचीत जब ज्यादा करेंगे तो बात करेंगे, पहल जल्दी नहीं होती उनकी तरफ से। लेकिन भरत जी स्वयं आकर के पहल किए, ये बड़ी अच्छी बात लगी। हाँ, और वो बक्सा लेकर के बेचारे पूरे पार्क में घूमे हैं। हाँ, पूरा पार्क उन्होंने घूम डाला भैया। वो भी उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि मेरे कारण से, यानी जो आपको क्षति हाँ, पहुंची है, क्षति पहुंची और जो आप विवाह प्रस्ताव आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप जरूरी नहीं, आप कुछ मत करिए, ना आप कुछ करेंगे ना आपके पिताजी कुछ करेंगे, मैं जरा पापा को मना कर देता हूँ, बात खत्म। मतलब सामने वाले व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो तब मुझे आगे बढ़कर बात करनी आवश्यक है। अभी एक चीज श्रुति कीर्ति जी को, मांडवी जी एक चीज मांडवी जी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि भरत जी अपने भैया राम जी की ही परछाई, और ये सत्यता भी कि कहीं ना कहीं अगर मैं कंपैरिजन तो नहीं कर सकता भरत जी और राम जी के बीच में, क्योंकि दोनों का एक अपना अलग व्यक्तित्व है, लेकिन भरत जी जितना धैर्यवान, जितना जैसे कहते ना धीर वीर गंभीर साहसी, सब कुछ था भरत जी के अंदर। या यूं कह लें कि भरत जी को यदि कोई अच्छे से समझ सकता तो वो है प्रभु श्री राम जी। उनकी मन की भावनाएं वो जान लेते थे और किस प्रकार से उनको समझाना है। भरत जी प्रभु श्री राम जी के लिए अपना प्रतिबिंब समान, इसलिए वो बहुत अच्छे से उनको चीजों को समझते और उनका आदेश। वैसे तो चारों भाई जो हैं, जिस प्रकार से दिखाया गया है कि हाँ, अगर प्रभु श्री राम जी ने आदेश दे दिया तो व्यर्थ नहीं जाना है। फिलहाल मित्रों अभी देखना यह है कि दशरथ जी के पास पहुंचने से पहले कौन पहुंचता है भरत जी के पास। ये तो बात सही है। इस एपिसोड को करना है समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।